उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अध्यक्षता की। बैठक में वार्षिक बजट के अलावा पूरे साल भर विकास के लिए धरातल पर उतारे जाने वाली योजनाओं का खाका तैयार किया गया। तो वहीं बोर्ड बैठक में लिए गए कई फैसले जो लिए गए, वही वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए पर्यटन विकास परिषद की गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुल 55.0 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास परिषद के ढांचे में कुल 94 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। राज्य के पर्यटन के प्रचार प्रसार 30 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। वहीं प्रदेश में पैराग्लाइडिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग, एडवेंचर समिट, स्कीइंग चैंपियनशिप, टिहरी झील महोत्सव, योग महोत्सव आदि के आयोजन का प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया। हुनर से रोजगार योजना के अंतर्गत कुकिंग, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग आदि के लिए 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कैरावान टूरिज्म, चाय बागान टूरिज्म, होम स्टे टूरिज्म, नेचर गाइड आदि के प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव मिला। वहीं ऋषिकेश में गंगा क्याक फेस्टिवल, टिहरी में कैनोइंग फेस्टिवल, बौर जलाशय में क्याकिंग चैंपियनशिप, योग महोत्सव, छोटा कैलाश माउंटेनिंग अभियान, पिंडारी में ट्रैक ऑफ द ईयर के साथ साथ हाई और लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग ट्रेनिंग शामिल हैं।